हेलो गाइस, सो अर्नव को डे केयर जाते हुए पहले दिन मैंने दिखाया था और फिर दूसरे वीक वो बिल्कुल बीमार था. पहले वीक हमने पार्ट टाइम रखा, लाइक वो दो ही दिन गया. सो दूसरे वीक वो पूरा वीक घर पे था एंड आज है तीसरा वीक. सो देखिए वो हैप्पी हैप्पी जाएगा आज. देखिए इस हैप्पी बेबी को. That's good, baby. We'll change shoes, okay? He's happy. Like first day, तू इसे पता नहीं चला था कि यहाँ पे आ रहे. Second day, इसने बहुत हंगामा किया था. And today, happy baby. So good morning. Don't move your car. What? Ready? You change? Good? Now you're good to go. आज मैं लंच के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ सुकट ड्राई फिश की रेसिपी. किसे किसे पसंद है ड्राई फिश, ये स्पेशली सुकट, ये बहुत ही अच्छी है अगर आप इसे अच्छे से बनाते हो तो. कुछ भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी तो ये ख़राब बनती है. और स्पेशली इसकी जो क्वालिटी होती है ना, वो कभी कभी इतनी ज़्यादा पैकेट में होने के बावजूद इतनी ख़राब मिलती है कि उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है, तो वो वाली अच्छी नहीं बनती. ये वॉश वाली, क्लीन वाली, इसमें बिल्कुल कंकड़ नहीं थे, ऐसी वाली है. और मैंने इसे लाया था इंडिया से, मेरी जस्ट जब लास्ट टाइम सिस्टर आई थी. तो बहुत ही सिंपल रेसिपी, और ये जब बनती है ना, मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ ताकि हम इसे लंच में भी खा सकते हैं एंड डिनर में भी खा सकते हैं. और अभी तो ठंड आने वाली है, ऑलमोस्ट आ चुकी है, एंड विंटर में ऐसी चीज़ें खाना अच्छा लगता है, गरम गरम रोटी के साथ ऐसी सूखी सब्जियाँ. वैसे चिकन मटन हम नॉनवेज तो बनाते ही है, एग, लेकिन ये जो फ़िश है ये है, और दो तीन और फिश जो यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, वो अच्छी लगती है ठंड में खाना. तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं. बहुत ही सिंपल है. आपको चाहिए प्याज थोड़ा मैं ना ज़्यादा डालती हूँ इसमें, अच्छा लगता है क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती मसालों में. बस ये डालना है, और प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन होते ही इसमें डालेंगे टमाटो. जितने मैंने प्याज डाले हैं, दो प्याज लिए थे मैंने और चार टमाटो लिए हैं. तो टमाटो थोड़े ज़्यादा लेने हैं, और बिल्कुल हम भुर्जी बनाते हैं ना, एक भुर्जी उसी की तरह बनानी है. लेकिन मैंने किया था, इसको भून लिया था अच्छे से, ज़्यादा पक काला नहीं करना, बस थोड़ा सा है ना क्रिस्पी, ऐसे दो तीन मिनट भून लेना है तवे पे, और इस तरह से हम डिप करके रखेंगे पानी में. और दो तीन बार इस तरह से मैं स्क्वीज़ करके इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे निकाल लूँगी और अलग यहाँ पे इस छलनी में रख दूँगी. इस तरह से मैंने किया है तीन से चार बारी, ताकि अगर कोई भी थोड़ी सी भी मिट्टी है, अगर आपको पता हो तो ये मिट्टी के ऊपर, पत्थरों के ऊपर इसे सुखाया जाता है, इसलिए काफ़ी मिट्टी होती है इसमें. तो मैंने किया है उसे तीन से चार बारी वॉश और अलग से रख दिया है ड्राई करके. अब हमारे प्याज एंड टमाटर अच्छे से कुक हो चुके हैं. मैंने ढक्कन ढक दिया था एक दो तीन मिनट, ताकि टमाटो है जल्दी से गल जाए. अब मसालों में मैं इसमें बहुत ही कम मसाले डालती हूँ. ये है घर का मसाला जो हम यूज़ करते हैं. अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो, सिंपल आप हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर एंड गरम मसाला डालें, उससे भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है. एंड तो अगर सब्ज़ी मसाला अवेलेबल हो तो वो डाल ले. फिर मैंने घर का मसाला डाल के डाला है हल्दी, थोड़ा सा किचन किंग मसाला एंड नमक अपने टेस्ट अनुसार. हल्दी आप ग्रीन वेजिटेबल्स में और कोई भी फ़िश की रेसिपी में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी भी होती है. हल्दी की बात कर रही हूँ. फिर मैंने ये है मूंग की दाल. मूंग की दाल को भी मैंने जब प्याज कट करने लग गई थी तब मैंने भिगो के साइड में रख दिया था. अब अच्छे से भीग गई है, 15 मिनट ऑलमोस्ट हो गए हैं. आप पहले से ही है ना इसे भिगो के रख दे, ताकि ये बहुत आसानी से इजीली कुक हो जाए जल्दी जल्दी. मैंने कुछ नहीं किया, जो मसाला हमारा कुक हो चुका था ना उसके ऊपर बस डाल दिया है मूंग की दाल. एंड फिर डाल देंगे ये वाला सुकट को, और क्या नाम है, आई डोंट नो,
हम सुकट ही कहते हैं, ड्राई फिश ये कहते हैं यहाँ। सो ये डालने के बाद हमने सारी चीज़ें तो मसाले में डाल ली है, बस अगर आपको लग रहा है पैन ज़्यादा गर्म है या कढ़ाई ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा सा पानी डाल ले ताकि ये जल ना जाए, और ढक्कन ढक के बहुत धीमी आँच, धीमी टू मीडियम आँच पे कुक कर लेंगे एक 5 to 7 मिनट। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता इस रेसिपी को। एंड तब तक मैंने ना ग्रीन अनियन को कट कर लिया है, पहले मैंने कट नहीं किया, अगर पहले करती तो आगे के अनियन भी मैं यूज़ कर पाती, लेकिन मैं अब ये जो ग्रीन पत्ते हैं पीछे के यही यूज़ करूँगी। जब ये 70% मतलब हम 5 to 7 मिनट अगर इसे कुक कर रहे हैं तो 4 मिनट बाद ढक्कन हटा के इसे डाल देना है और मिक्स करके फिर से ढक्कन ढक के 4 मिनट और कुक कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल मैंने मिक्स नहीं किया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, अब इसे मैंने डाल लिया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे सब्जी में थोड़ा सा ज़्यादा स्वाद आता है। और जो मूंग थी ये भी अभी तक कुक हो चुकी है अच्छे से, आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो क्योंकि सब्ज़ी काफ़ी सूखी हो गई है, ड्राई हो गई है। एंड बस रेडी हो जाएगी सब्ज़ी, आप बस इंजॉय करें इसे। रोटी के साथ, राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, नान के साथ ये इतनी अच्छी नहीं लगती, पुलका के साथ भी अच्छी लगेगी, तो ज़रूर ट्राई करें। अभी अन्ना और यश आए हैं, उन्हें मैं नाश्ता कह सकते हो या लंच कह सकते हो, बहुत सिंपल होता है। अर्नव गाना गा रहे हैं ऊपर से, बहुत सिंपल होता है। तो मैंने फ्रेश रोटी बनाई थी उनके लिए अभी आने के बाद, एंड जैम के साथ उन्होंने रोल करके खा लिए, सो वही शाम का नाश्ता था। अब वो डिनर में जो है बहुत हल्का फुल्का ही खाते हैं, कभी रोटी या कभी तो कुछ अलग ही बना देती हूँ मैं पास्ता। तो अभी सोचूंगी कि क्या बनाऊँ, तो यही बस चल रहा है ज़िंदगी में। आपकी बताइए क्या चल रहा है, कुछ अलग है तो बताइए। ओके, और मैंने रखी है चाय अपने लिए, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है जो एनर्जी लाती है और मुझ में कभी भी पी सकती हूँ, लाइक 2-3। ये आई थिंक थर्ड टाइम है, फर्स्ट वाला जो टाइम था मैंने बताया था बहुत वाइट हुई थी चाय, बहुत ज़्यादा दूध था उसमें, तो मैंने पी नहीं वो। तो अभी बहुत ज़्यादा अदरक डाल के ब्लैक टी कह लो या फिर थोड़ा सा ही मैं उसमें दूध ऐड करूँगी। और मेरे बाल निकल गए, और यश अर्नव ने किया ये। और लास्ट टाइम मैं जब ग्रोसरी करने गई थी तो मैंने जानबूझ के मेरे लिए रस नहीं लिए, लाइक मुझे चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए तो रस नहीं लिए, एंड मैंने जिंजर वाली एक कुकी आती है वो परचेस कर ली, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मीठी है, उसके ऊपर शक्कर है, जो खड़ी वाली शक्कर होती है बड़ी बड़ी वाली वो है, तो अच्छा नहीं लगा मुझे, इतना मीठा भी नहीं चाहिए। ये मैं चाय मीठी नहीं बना रही हूँ और उसमें चीज़ें मीठी खाऊँ, ऐसे कैसे चले। घर में मैं सोच रही हूँ, लेकिन घर में मैंने एक टाइम ट्राई किए थे और ठीक से नहीं बनते, वैसे नहीं बनते बाहर वाले जैसे, लेकिन मैं ट्राई करूँगी फिर से एक बार। दोपहर को आई थिंक मैंने बताया था कि मैं बना रही हूँ पुलाव खिचड़ी, जो भी है ओट्स की मेरे लिए, वेजिटेबल्स वाली बहुत सारी। सो वैसे कहते ही फिर मैं थोड़ी सी बिजी हो गई क्लीन अप में अपनी पैंट्री की। पैंट्री में जब भी घुसो क्लीन अप होता ही है, थोड़ा बहुत करना। वैसे मैंने ऑलरेडी एक सब्जी बनाई है सुकट की, जो मैंने शेयर की है, और रोटी बनाई है। तो मैं कभी कभी ना राइस दाल बनाने की जगह ये बना लेती हूँ, ये हम दाल राइस की जगह ये खा लेते हैं, और मैं मेरे लिए तो बनाती हूँ, तो हम अगर मैं और इसे पहला रखती हूँ ऑप्शन अपनी लंच में या फिर डिनर में, और फिर अगर भूख हो तो मैं आधी या एक रोटी खा लेती हूँ, और नहीं तो ट्राई करती हूँ कि ये, और कभी अगर टेस्टी बना। वैसे पुलाव आप ट्राई कर लेना, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही सिंपल है। मैंने पूरी रेसिपी नहीं शूट की है, बस ये थोड़ी सी ही क्लिप ले है जो मैंने ऑयल गरम करके ज़ीरा और लहसुन में डालती हूँ, क्योंकि लहसुन का फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है, और फिर अदरक की पेस्ट डालती हूँ जैसे डाला है। और आप जो चाहे जितनी मन मर्जी की सब्जियाँ, मैं एक कटोरी बस लेती हूँ ओट्स, जिसे मैंने क्विक ओट्स, उसे मैंने बस भून के लेना है, और उससे डबल कप लाइक 2 कटोरी मैं लेती हूँ सब्जियाँ,
तो बस अनियन डाल के हमें इसे फ्राई कर लेना है। एंड मैं आपको सब्जियां दिखाती हूँ, सारी सब्जियां फ्रोज़न है वैसे, आप मुझे इसमें ये भी अच्छा लगता है, लेकिन ये देखिए बस फ्रेश में मैंने थोड़ी ही चीज़ें ली है। एक तो है ब्रोकली, और ब्रोकली ना हो कॉलीफ्लावर भी आप इसमें डाल सकते हो, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन अच्छा लगता है। और ये मैंने एक कटोरी बिग वाली भर के बनाई है, बस इसे भूनना है बहुत अच्छे से, और पानी डाल के आपका पुलाव चाहे खिचड़ी बोलो इसे, कुछ भी बहुत ही टेस्टी लगता है। मसाले भी डाले हैं, वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक रेसिपी शूट कर ली है। नेक्स्ट टाइम मैं इसकी पूरी रेसिपी शूट करके डालूँगी। ट्रेन ट्रेन बोल रहा था, ट्रेन sometimes there is a two fire truck always to help each other still there चांगलं होतं आता मी म्युझिक देऊ शकतो तुला ओके अगेन झालं कसं होतं माझं बॅकग्राऊंड म्युझिक थँक गॉड ते सिग्नल लावलं होतं उठलं पाहिजे आता कोण उचलून घेऊन जाणार Again, I'm tired. Antakshari play. They're playing Antakshari with two games, two games. आज हमारा डिनर जल्दी हो गया था जिसके कारण हम गए हैं थोड़ा सा बाहर छोटी सी ड्राइव पे, जिस ड्राइव पे सभी को कुछ अलग अलग चीज़ें चाहिए थी। बच्चों यश को चाहिए थी आइसक्रीम, अर्नव को चाहिए थे फ्राइज़ ऑल टाइम उसे, और ये जो सारी चीज़ें ना हमें ऑल टाइम, लाइक मुझे चाहिए थी कॉफ़ी, मैं कभी भी कॉफ़ी पी सकती हूँ, मुझे आइसक्रीम खाने का मन कभी ऐसे नहीं करता, उसकी क्रेविंग नहीं होती इतनी ज़्यादा, अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तब भी हम बस आइसक्रीम खाते हैं, मैं स्पेशली। और बाकी यश को चाहिए होती है आइसक्रीम संडे जो वाली होती है, और डैडी इसमें से कुछ भी हम में से शेयर कर लेते हैं, उनको कुछ नहीं, उनको सभी चलता है। तो बस हमने खा के अभी घर आ रहे हैं, और आज की ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर ले ताकि फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड अर्नव ऑलरेडी सो गया है, मिलते हैं कल, बाय बाय।